हेलो, कोई है? कोई है इधर? है कोई? मालूम है कि बहुत रुक रुक के ब्लॉग आ रहा है, बहुत दिनों बाद ब्लॉग करने आया हूँ, तो सोचा कोई नहीं है शायद, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं उस सब के लिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दी कॉन एंड यू आर वाचिंग यूनाइटेड ब्लॉगर्स। एक्चुअली आई एम गोइंग थ्रू अ फेज और ट्रांजिशन इन माई लाइफ, तो उसी लिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है चीज़ें, ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा और कुछ दिन चलेगा, शायद 10-15 दिन बाद, उसके बाद चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं। आई कांट रिवील नाउ, बट बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा रुक जाओ। ये महीना में थोड़ा ऐसा होगा कि अप डाउन हो जाएगा व्लॉग, एक दो व्लॉग शायद और आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उसके बाद लगातार बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, इसके लिए पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? और मैंने आज बहुत बड़ा एक हिम्मत दिखाने वाला हूँ, मैं ट्राई करूँगा ऑक्टोपस। ओके, कोई बात नहीं, ऑक्टोपस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, इतनी हिम्मत कर रहा हूँ तो लाइक दबा दो। एक्चुअली एक स्टोरी है, मेरा नाम है DIPN, तो मेरा दोस्त लोग ने उसको इधर उधर करके कुछ बना दिया, NAPDI, एक्चुअली बंगाली में नौपादी का मतलब होता है इसका नौ पैर है। तो मेरा एक दोस्त जो मुझे कहते थे कि ऑक्टोपस प्लस वन फूड, इसीलिए ऑक्टोपस के साथ रिश्ता मेरा बहुत दिनों से है। तो खैर, बहुत बोरिंग स्टोरी, ये सब छोड़ दो। आई केम टू नो अबाउट अ रेस्टोरेंट फ्रॉम जोमैटो, बट आई डोंट नो कि ऑक्टोपस मिलेगा कि नहीं, हर वक्त मिलता है कि नहीं, कुछ नहीं मालूम, तो जाने के बाद मालूम पड़ेगा वो सब चीज़। तो पहले चलते हैं, जाके देखते हैं कि मिलता है क्या, फिर चलो अभी चलते हैं। मैं हूँ पुल पार्क के बहुत ही नज़दीक, इधर एक दुकान है, पीछे एक भाई आ रहा है, चलो ऑक्टोपस खाते हैं। फैंटेसिया नाम की दुकान है, रेस्टोरेंट है, तो गोल पार्क के बहुत ही नज़दीक है ये दुकान, जो ऑंजली ज्वेलर्स है, उधर से आपको इधर आना पड़ेगा, बहुत ही नज़दीक है। तो गूगल मैप का लिंक आपको मिल जाएगा, जोमेटो का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो इधर आके मैंने ऑर्डर की है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का रेसिपी है, उसका नाम है हंसुम स्टाइल ऑक्टोपस, और उसके साथ इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा है, क्रिस्पी है वो सैर है, मुझे उतना इंग्लिश आता नहीं है, जो भी है जैसा भी है खाने के बाद मालूम पड़ेगा। सिर्फ इतना मालूम है कि ये थोड़ा मीठा भी होगा, उसके साथ थोड़ा तीखा भी होगा, तो तीखा मीठा ऑक्टोपस जो भी है जैसा भी है खाना पड़ेगा, और जब तो कर दी है तो अब खाना तो पड़ेगा सर, वेस्ट तो करना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या मिलता है, तीखा मीठा ऑक्टोपस। तो मेरा ऑक्टोपस आ गया है, ऑक्टोपस इज हियर, सो दिस इज द ऑक्टोपस एज यू कैन सी, देखो इट्स नॉट बैड, मेरे पास इधर चम्मच वम्मच सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी हाथ से खा रहा हूँ इसको फील करने के लिए कि ये है क्या चीज़, थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन च्युइंग गम की तरह है कि जो खींचता है, ऐसे करके खाना पड़ता है ऑक्टोपस।
But it's really awesome. My own birthday. थोड़ा मीठा थोड़ा मीठा तो इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऑक्टोपस बहुत तरह के साइज के होते हैं, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। तो जब जैसा मिलता है, अगर छोटा ऑक्टोपस होता तो पूरा एक ऑक्टोपस मिलता, लेकिन इधर अभी बड़ा ऑक्टोपस आया है तो इसीलिए उसको उन्होंने चॉप करके दिया है, इसीलिए ऐसे भी छोटा छोटा पीस मिला है मुझे, नहीं तो एक बड़ा ऑक्टोपस मिलता अगर छोटा ऑक्टोपस होता तो। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? छोटा आता तो बड़ा मिलता, बड़ा आया है तो छोटा मिल रहा है, कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग चीज़ है। और इसका टेस्ट बहुत ही सुंदर, पहला एक्सपीरियंस है लेकिन कुछ अलग नहीं है कि मुझे बहुत ही अलग सा लगा, कुछ वैसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, खाने में बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज लिटिल बिट स्पाइसी, स्पाइसी है थोड़ा सा, मैं स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी है, इसलिए थोड़ा पानी वानी पी लेता है। ये थोड़ा च्यूवी है असल में, थोड़ा खींचना पड़ता है, उसके बाद आपको खाना खाने लगेगा। तो निकला हूँ ऑक्टोपस खाने के बाद, ये रहा दुकान, संतास फैंटेसिया दुकान का नाम है। जोमैटो का लिंक, गूगल मैप का लिंक, सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा था, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, स्पाइसी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक था लेकिन स्पाइसी था, खा लिया मैंने। लेकिन बात आती है ऑक्टोपस, मुझे एक बड़ा सा एक पूरा ऑक्टोपस खाना था लेकिन नहीं मिला, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी पूरा ऑक्टोपस एक साथ वो ट्राई करेंगे, अभी तो नहीं हुआ। ऑक्टोपस ट्राई किया, इतना कुछ कर रहा हूँ, एक लाइक बनता है भाई, कमेंट करो अगर तुमको भी ऑक्टोपस खाना है। मेरा सजेशन है खाओ एक बार, तो ऑक्टोपस ट्राई करो, बस कुछ तो करो लाइफ में, क्या कर दे घर बैठे, आओ ऑक्टोपस खा के जाओ, इधर से नहीं हो तो कहीं और से खा लो, ऑक्टोपस खाओ, मतलब लाइफ में कुछ तो करना होगा ना यार, तो इसलिए ऑक्टोपस खा लिया। ऑक्टोपस बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऑक्टोपस खा भी लिया है, तो वो लोग भी कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको ऑक्टोपस, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। बाय द वे वन थिंग, कोलकाता में एक बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, बंगाल यूट्यूबर है, जो बंगला में ब्लॉग करते हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग, फूड ब्लॉग करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज कर रहे हैं चीज़ों को, सारी जगह पे एक्सपोज, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसका वो ख़राब है, इसमें वो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, सब चीज़ का अलग अलग टेस्ट होता है, सब चीज़ का अलग सी ढंग होती है, सब चीज़ का अलग सा मसला होता है, लेकिन सब चीज़ में एक ही चीज़ ढूंढना, उसको एक्सपोज करना, आई डोंट नो एक्चुअली, आई एम वेरी लिटिल, मुझे कुछ नहीं कहना था, लेकिन सब जगह पे एक्सपोज, खुद की बिजनेस बनाने के लिए दूसरों के बिजनेस डाउन मत करो यार, खैर।